सेंटर में IVF और इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। नोवा एवी फर्टिलिटी प्रजनन क्षमता के क्षेत्र में सबसे बड़ी सेवा प्रदाताओं में से एक है। NIF का उद्देश्य स्पेन की ईवी के साथ साझेदारी करते हुए भारत में उन्नत असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART लाना रहा है। पुरुषों और महिलाओं में बांझपन भारत में एक गंभीर समस्या है। बांझपन को लेकर एक सामान्य मिथ्या है कि इसका संबंध सिर्फ महिला से ही है। धीरे धीरे बढ़ती जागरूकता के साथ कम हो रहा है, क्योंकि बांझपन के लक्षणों को अनदेखा करने के असर को जांचने और समझने के लिए पुरुष आगे आ रहे हैं। संतानहीनता केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, यह एक दंपति की समस्या है। लगभग 40% केसेस में पुरुष में कमी पाई जाती है, 40% केसेस में स्त्री में कमी पाई जाती है और 10% केसेस में दोनों में कमी होती है। 10% केसेस में कारण पता नहीं चलते। आज हम पुरुषों में संतानहीनता क्यों होती है और इसका क्या निवारण है, इस पर बात करेंगे। पुरुष में स्पर्म यानी शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं, इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म्स का प्रोडक्शन शरीर के हार्मोन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करता है। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जीवन शैली, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, अन्य, जिनका असर स्पर्म प्रोडक्शन पर होता है। यौन समस्याओं और हार्मोनल असंतुलन के अलावा कैंसर की दवाएं, विकिरण या कीमोथेरेपी, श्रोणि सर्जरी और यौन संचारित रोग यानी STD जैसे संक्रमण शुक्राणु उत्पादन या शुक्राणु स्वास्थ्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे पुरुषों में बांझपन के मामलों में वृद्धि हो सकती है। अधिक गर्मी, विषाक्त पदार्थों और रसायनों जैसे कुछ पर्यावरणीय कारकों के अधिक संपर्क में रहने से भी पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। औद्योगिक रसायनों, भारी धातुओं जैसे लेड, लंबे समय तक बैठकर काम करने से अंडकोशों तक अधिक गर्मी पहुंचना, लंबे समय तक लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना जैसे कारण भी शुक्राणुओं के उत्पादन और कार्य प्रणाली के लिए हानिकारक हैं। अन्य कारक जो खराब गुणवत्ता वाले शुक्राणुओं का कारण बनते हैं, उनमें मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ली जाने वाली एनाबॉलिक स्टीरॉइड जैसी दवाओं का अवैध उपयोग, जैसे जिम में आजकल लोग करते हैं मसल एनहेंसमेंट के लिए, कोकेन या मारीजुआना का उपयोग, शराब, तंबाकू या अत्यधिक धूम्रपान, तनाव और मोटापा भी पुरुषों में प्रजनन क्षमता को कम करता है। पुरुषों में मुख्य टेस्ट होता है सीमन यानी वीर्य की जांच। इस वीर्य को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। यह सीमन एनालिसिस एक बहुत स्टैंडर्ड लैब से करवानी चाहिए, जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2010 के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। वीर्य की जांच में हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं जिनके ऊपर फर्टिलिटी निर्भर करती है। पहला, शुक्राणु का काउंट यानी कि नंबर। अगर ये कम है तो उसे हम ओलिगोजूओस्पर्मिया कहते हैं। दूसरा है मोटिलिटी यानी शुक्राणु के आगे बढ़ने की क्षमता, इसमें कमी हो तो उसे एस्टेनोजूओस्पर्मिया कहते हैं। तीसरा है शुक्राणु की बनावट यानी कि मॉर्फोलॉजी, कमी होने पर इसे हम टेराटोजूओस्पर्मिया कहते हैं। कुछ पुरुषों में इनमें से तीनों फैक्टर की कमी होती है, कुछ में सिर्फ 1 या 2 की कमी होती है। स्ट्रेस यानी तनाव का इन तीनों सीमन पैरामीटर्स पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान और तंबाकू से जो पदार्थ सिक्रीट होते हैं वो शुक्राणु के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। मम्स एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो यदि किसी को टीनेज ईयर्स में हो जाए तो इससे टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन हो सकता है और आगे जाके एजूओस्पर्मिया यानी कि एक भी शुक्राणु ना होने वाली स्थिति हो सकती है। टेस्टिस पर फुटबॉल या अन्य स्पोर्ट्स के दौरान चोट लगने से भी स्पर्म प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। आजकल एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए, इसका सीधा असर भी फर्टिलिटी पर पड़ता है। पुरुषों में संतानहीनता के इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, पर इनमें वीर्य की क्वालिटी और काउंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे पुरुषों और दंपतियों के लिए एक अत्याधुनिक विकल्प है ICSI। ICSI यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF सामान्य रूप से बांझपन के लिए सबसे आम उपचार पद्धति रही है और ICSI का एक विशेष रूप है जहां सावधानी से चयनित शुक्राणु को सीधे अंडे में प्रवेश करवाया जाता है।
खास तौर पर ये पुरुष बांझपन के लिए अधिक कारगर है। खराब गुणवत्ता वाले शुक्राणु पुरुष बांझपन के प्रमुख कारणों में से एक है। आधुनिक तकनीक की खूबी यह है कि इससे प्रजनन विशेषज्ञों को इक्सी की प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा और स्वस्थ शुक्राणु चुनने की आजादी मिलती है, जिससे गर्भावस्था की संभावना बढ़ जाती है। मैक्स यानी कि मैग्नेटिक एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, ये एक ऐसी उन्नत एआरटी तकनीक है जो आईवीएफ और इक्सी की सफलता दर को आगे बढ़ाती है। मैक्स कैसे काम करता है? मैग्नेटिक एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग एक स्पर्म प्रेपरेशन तकनीक है जिसमें स्वस्थ शुक्राणुओं का कम उर्वरता क्षमता वाले एपोप्टोटिक शुक्राणुओं से चुंबकीय पृथक्करण शामिल है। एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ सेल साइकिल की विनियमित प्रक्रिया है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान हो सकती है, जिससे शुक्राणु डीएनए के विखंडन जैसी सेल क्षति हो सकती है। मैक्स की प्रक्रिया आईवीएफ प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक भ्रूण विज्ञानी बहुत ध्यान के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम देता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट नष्ट होने के कगार पर खड़े शुक्राणुओं में से उन बेहतर शुक्राणुओं को पहचानते हैं और अलग करते हैं जिनसे बेहतर फर्टिलाइजेशन दर, क्लीवेज द्वारा इम्प्लांटेशन दर और गर्भावस्था दर प्राप्त होती है। पुरुष बांझपन का इलाज करने के लिए मैक्स को एक प्रभावी तरीका माना जाता है और जोड़ों के साथ साथ इन प्रजनन विशेषज्ञों के लिए भी राहत का सबब है। भारत में दर्ज बांझपन के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए इस तरह की उन्नत एआरटी तकनीक देश में कई निसंतान जोड़ों के लिए वरदान कही जा सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनफर्टिलिटी का जो परसेंटेज है वो 10-12% से भी ज़्यादा अब 30-40% हो गया है। इसमें 40% केसेस में जो है महिलाओं में कमी पाई जाती है, 40% केसेस में पुरुषों में कमी पाई जाती है, 10% केसेस में दोनों में कमी पाई जाती है और 10% केसेस अनएक्सप्लेन होते हैं जिनमें कोई कारण पता नहीं चलता। जीवन शैली उसमें जो स्ट्रेस फैक्टर है, जो हमारा खान पान है, जो अलग से दवाएं ली जाती हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। अलग से कैसी दवाएं? जैसे जिम के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं और स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन, ये सब हानिकारक है। अल्कोहल का सेवन करते हैं फॉर मसल बिल्डिंग, तो उनमें भी ये केसेस देखे जा रहे हैं क्योंकि फिर यंग एज में ही उनके शुक्राणुओं में कमी पाई जा रही है। टेम्परेचर से हमेशा 1-2 degrees कम रहता है उनका टेम्परेचर। अगर कोई बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर लैपटॉप, कितना टेम्परेचर क्या बताया? 1-2 degrees हमारे बॉडी से कम रहता है उनका टेम्परेचर और कम रहना चाहिए, तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुओं का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल तरीके से हो पाता है। कपड़े पहने या फिर लैपटॉप को लैप में दूर में रख के अगर काम करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिसका असर स्पर्म प्रोडक्शन पर पड़ता है। और जो है सीधा असर जो तीनों पैरामीटर्स हैं, जैसे जो शुक्राणु का नंबर है, शुक्राणु की जो गतिशीलता है और शुक्राणु की जो बनावट है मॉर्फोलॉजी, तीनों पे पड़ता है। तो तनाव बिल्कुल जीरो तो हम नहीं कर सकते आजकल की ज़िंदगी में, लेकिन उसे कम से कम हम मेडिटेशन से या योगा से या फिर बाकी जैसे हमारा जो वर्क स्ट्रेस रिलेटेड मेनली वर्क फैक्टर होता है तो उस चीज़ को हमें कम करना चाहिए, अपना थोड़ा माइंड डाइवर्ट करके इन पॉजिटिव हैबिट्स, जैसे हम मेडिटेशन करें, योगा करें या हम किसी हॉबी को फॉलो करें, तो उससे थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है स्ट्रेस से। परीक्षा में माला जी की रिपोर्ट सामान्य थी, हालांकि नीरज के जो शुक्राणु थे वो खराब थे। उन्हें ओलिगोज़ोस्पर्मिया यानी कि शुक्राणु की संख्या में कमी थी, एक्सिनोज़ोस्पर्मिया यानी कि उनकी गतिशीलता में कमी थी और टेराटोज़ोस्पर्मिया यानी कि मॉर्फोलॉजी जो बनावट होती है शुक्राणु की उसमें कमी थी। उसका निदान किया गया, यही वजह थी कि ये जोड़ा अभी तक निसंतान थे। नीरज जी को कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है, धूम्रपान शराब से भी ये हमेशा दूर रहे, लेकिन उन्हें पान मसाला खाने की आदत थी। तो ये एम्ब्रियोस तैयार किए गए, जो भ्रूण हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बने क्योंकि उसमें मैक्स और जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका भी प्रयोग किया गया। उसमें जो बेस्ट उनके शुक्राणु थे उनको सिलेक्ट किया गया और अंडों में डाला गया। तो आ रहे हैं वो।
अगर